सबसे पहले बात करते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस की। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगल के रोज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 99वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर सिंह ने साइंस के शोबे में हिंदुस्तान के पीछे रहने पर तश्वीश का इजहार किया। इस शोबे में हमागीर तरक्की की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने साइंसी तहकीकात के लिए मुनासिब फंड की फराहमी की बात कही, जो फिलहाल GDP का 1% से भी कम है। मौजूदा दौर में आलमी सतह पर साइंस और रिसर्च की अहमियत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े तौर पर कहा कि 12वें पंचसाला मंसूबे में इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके तहत साइंस के शोबे में आलमी सतह पर साझेदारी से लेकर सरमायाकारी और नॉलेज कमीशन के रोल को बढ़ाने के साथ ही बुनियादी ढांचों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान से बेहतर सलाहियतों की हिजरत को रोकने के लिए इसके बुनियादी असबाब का पता लगाकर उनका सदबाव किया जाएगा। इस सिलसिले में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे से जुड़े अफराद की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत संजीदगी के साथ गौर कर रही है। भुवनेश्वर में जारी इंडियन साइंस कांग्रेस के हवाले से हमारे नामानिकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे के तज्जियाकार डॉक्टर मनसफ आलम साहिब से बात की और उनसे पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस के शोबे में मुल्क की पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ज्यादा वाजिब तो नहीं है, लेकिन मेरा जो कहना है, 1947 के बाद 50 साल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। IT के फील्ड में हम कहते हैं कि इंडिया इज द सुपर पावर, क्योंकि जो भी यहाँ के बच्चे निकलते हैं वो जाते हैं बाहर और जाकर डेवलपमेंट करते हैं। वो बाहर जाने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए वो चले जाते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है उसमें इंडियन का हाथ होता है, लेकिन नाम जो है अदर कंट्री का होता है। इसका रीज़न है कि ये यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर बच्चे रुकते नहीं हैं कि पे हाइक कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और एक्सेलेंसी तो बहुत है यहाँ पे। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कुछ दिनों बाद ये सब ठीक हो जाएगा, तो सही बात है कि सही हो जाएगा, क्योंकि अभी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो सारे रिसोर्सेज जब यहीं पे मिलने लगेंगी तो सारे डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगा यहाँ पे। और भी बाकी जो कंपनी MNC है यहाँ पे आ रही हैं तो वहाँ पे उससे सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर का भी रेट डाउन हो गया है, जिससे कि और भी उसे नया सॉफ्टवेयर हम बनाया जा सकते हैं। हमने उनसे भी जाना कि साइंसी तहकीकात और तरक्की के लिए GDP की 2% रकम मुख्तस करने से इस शोबे को कितना फरोग मिलने की उम्मीद है। देखिए, इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। पहला तो फायदा होगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, नया लैब बनाया जा सकता है, रिसर्च लैब हो सकता है, नया टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे जब नया टेक्नोलॉजी मिलेगी तो काम करने में दिल लगेगा और इंटरेस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो नए से नया चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। कि माइंड जो है बहुत ही क्रिएटिव होता है, अगर हम चाहें तो। कब क्रिएटिव होगा? जब हमें सुकून मिलेगा और सारे फैसिलिटी मिलेगी तो अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी को डेवलप हम कर सकते हैं। हमारा उनसे अगला सवाल था कि मुल्क से बेहतर सलाहियतों की हिजरत को रोकने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाने की जरूरत है। यहाँ पे उनको रोकने के लिए आपको सबसे पहले तो उनके पे हाइक करनी चाहिए, क्योंकि पे हाइक के लिए वो बाहर जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, फैसिलिटी दी जाए, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे। हम उनसे भी दरियाफ्त किया कि साइंस के शोबे में आगे बढ़ने के लिए बैन अक्वामी इदारों के साथ इश्तराक और तआवुन को फरोग देना कितना अहम है। देखिए, और अदर ऑर्गेनाइजेशन से कोलेबोरेशन करने से फ़ायदा काफ़ी है, क्योंकि आइडिया एक्सचेंज होता है। जब आइडिया एक्सचेंज होगा तो कुछ वो सोचते हैं, कुछ हम सोचते हैं, दोनों को सोच मिलाकर एक नई सोच को हम निकालते हैं, जिससे हम काफ़ी डेवलपमेंट होता है। कहीं पे हम वीक हैं, कहीं पे वो वीक है, सब मिल जाए तो जो भी कमी है उसको फाइंड आउट करके और उसका सॉल्यूशन सोचें तो बेहतर होता है, कि एक आइडिया का एक्सचेंज होता है। इसलिए हमें अदर कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन से कोलेबोरेशन करने से फ़ायदा है। हमने उनसे भी दरियाफ्त किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान का चीन से मुवाजना किया है, इसके पीछे उनका क्या मकसद है। देखिए, चाइना और इंडिया में दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। चाइना का भी आबादी काफ़ी है और इंडिया का भी आबादी काफ़ी है। चाइना में इंडिया से ज़्यादा ही आबादी है, इंडिया में कम है, लेकिन वहाँ पे देते हैं, लेकिन वहाँ के टेक्नोलॉजी का कॉस्ट इतना कम होता है कि वो कम मार्जिन पे अपना बिजनेस करते हैं। और इंडिया में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो ड्यूरेबल होता है, वो प्रोडक्ट उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो हमारा जो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा होता है उनका टेक्नोलॉजी हर कंट्री में जाता है लेकिन ड्यूरेबल नहीं होता है,
उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है क्योंकि वो सस्ते होते हैं और कम पैसे लगाते हैं, इसलिए वो कम अर्निंग करते हैं लेकिन प्रोडक्ट उनका ज़्यादा होता है। जो हमने उनसे पूछा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए मजीद किस तरह के इकदाम किए जाने की जरूरत है, तो उनका जवाब ये था। सबसे पहले तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले कम्युनिकेशन, ज़्यादा हद तक तो कम्युनिकेशन ठीक हो चुका है। पावर बैकअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में आए दिन हर स्टेट में पावर बैकअप की प्रॉब्लम्स है, और पावर बैकअप सही हो जाए तो सारी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पावर बैकअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बात करते हैं ऑटो एक्सपो।